नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एल्गो क्रैप के वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण नाना, और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में। जानेंगे कल क्या रहेगा मार्केट का रुझान, किस तरफ मार्केट जा सकती है, और टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से मार्केट में किस तरीके के ट्रेंड्स बन रहे हैं। तो जो व्यूअर्स पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस हिसाब से मार्केट का जो मूवमेंट है वो इस तरीके से बन रहा है। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था किस तरीके से मार्केट का रुझान बन रहा है। तो आज ही मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और नीचे जो है एक यहाँ पर एक शार्प डाउनफॉल आपको आज देखने को मिला। सुबह मार्केट जब खुली तो उसके बाद तुरंत ही गिरना शुरू हो गई थी। आप देखोगे यहाँ पर कि एक कैंडल के बाद अगली कैंडल ही रेड है, और ये 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट में पहली कैंडल के बाद ही मार्केट गिरना शुरू हुई और उसके बाद गिरती चली गई। बीच बीच में थोड़ा संभलने की कोशिश की, लेकिन फिर से क्लोजिंग होते टाइम वापस से मार्केट नीचे की तरफ चल गई। कल क्योंकि एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी के दिन किस तरीके से आप ट्रेड करें उसके बारे में ये वीडियो है। तो अभी अगर हम देख पाएंगे यहाँ पर, आप देखेंगे कि इस तरफ अगर मैं इसको थोड़ा और जूम करके दिखाऊं तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपको एक मार्केट का सपोर्ट देखने को मिला क्लोजिंग के वक्त पे। ठीक है, एक जो जहाँ पर नीचे गई थी वहाँ से ही वापस ऊपर गई और फिर से नीचे आके यहाँ पे क्लोज हुई। तो अब दोनों तरफ के ट्रेंड में किस तरीके से काम करना है उसके बारे में ये है कि अगर कल मार्केट ओपन होता है पॉजिटिव और ब्रेक करता है ऊपर का लेवल जो है 18,200 का लेवल, अगर 18,200 के लेवल के ऊपर मार्केट जाता है तो इसमें वापस से बाइंग देखने को मिलेगी, और आगे आने वाले टाइम में 18,300 18,400 के लेवल देखने को मिलेंगे। और क्योंकि कल एक्सपायरी है तो काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट होना लाजमी है। तो यहाँ पर ये चीज़ आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि अगर मार्केट 18,200 के ऊपर जाती है और वहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है, यानी कि ग्रीन कलर की कैंडल बनती है जो कि 18,200 के नीचे से शुरू होकर 18,200 के ऊपर क्लोज होगी, तो उसके बाद हम बाइंग की पोजीशन में बैठ सकते हैं, कॉल बाय कर सकते हैं या फ्यूचर भी बाय कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मार्केट 18,080 का लेवल जो है अगर उसको तोड़ के उसके नीचे ओपन होती है तो फिर हमें और ज़्यादा शार्प यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अगर हम पुराने ट्रेंड्स की बात करें तो उसके बाद के जो लेवल हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस तरीके से 17,800 के आसपास तक पहले भी मार्केट जा चुका है दिसंबर में, और यहाँ पर जो दूसरा यहाँ पर जो मार्केट का सपोर्ट का लेवल है वो 18,000 का लेवल है। तो अगर 18,080 तोड़ता तो 18,000 आना तो लाजमी है ही है, और साथ ही साथ अगर इसको भी ब्रेक करता है तो आप 17,850 के लेवल भी देख सकते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा खैर टूटने के कल का चांसेस नहीं है, बट ये है कि 18,000 के लेवल्स आराम से देख सकते हो अगर 18,080 के नीचे मार्केट जाती है तो। ठीक है, ये था निफ्टी का। आपको अगर बाइंग करनी हो तो आप 18,200 के ऊपर करें, और अगर आपको सेलिंग करनी हो तो आप 18,080 के नीचे करें। उसके बाद मैं यहाँ पे चार्ट लगाता हूँ बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी के चार्ट में आप देखेंगे कि पिछले 3 दिन का जो ट्रेंड रहा वो धीरे 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 मार्केट ऊपर की तरफ चल रही थी। अगर आप यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे जो दिन है आपका 30 तारीख यानी कि 30 दिसंबर, और उसके बाद 30 दिसंबर के बाद सीधा 2 तारीख को मार्केट खुली और 3 तारीख को, यहाँ पर ये सारा मूवमेंट इस तरीके से दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ से फिर आज मार्केट ने इसमें भी वही सेम चीज़ किया। पहली कैंडल के बाद मार्केट टूटने लगी और सेम तरीके से मार्केट मूव किया जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो। और यहाँ पर जो सपोर्ट मार्केट ने बनाया दोस्तों वो है ये। ठीक है, ये पॉइंट है 43,080 के आसपास का। तो 43,080 का जो लेवल है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर खुलती है तो हमें कहाँ वेट करना होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हो चार्ट में, जो कि मार्केट के रेजिस्टेंस रहे हैं, जो कि पिछले कुछ दिनों में रेजिस्टेंस रहे हैं वो ये हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हो ये लेवल जो है 43,660 और 70 के बीच का लेवल। यहाँ पर काफ़ी बार मार्केट ऊपर नीचे होने की कोशिश की है, फाइनली आज टूट गई और नीचे चली गई। तो 18,670 के आसपास के लेवल अगर आपको मिलते हैं कल के मार्केट में तो उसके ऊपर ही आप बाइंग बनाने की कोशिश करें। इस बीच में 43,460 और 43,080 के लेवल के बीच का जो 400 पॉइंट का जो रेंज है इसमें ट्रेडिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें आपका बुलिश या बेयरिश ट्रेंड नहीं रहेगा और मार्केट रेंज बाउंड ही रहेगी, क्योंकि पहले भी आप देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक के मार्केट इसी तरीके से मूव करती हुई आई है, और पिछला सपोर्ट था वो भी यही था जो जो कि लेवल अभी दोबारा से इसने बना के ऊपर गया है, और उसके बाद क्लोजिंग भी यहीं पर आकर हो रही है। तो बिल्कुल सपोर्ट के पास क्लोजिंग है।
अगर आप ट्रेड करें तो बस ये बात ध्यान रखें कि 43,000 के लेवल के नीचे ही आपको सेल करना है, और 43,470 के लेवल के ऊपर अगर मार्केट क्लोज होती है तो आपको बाइंग की पोजीशन बनानी है, अदरवाइज नहीं बनानी है। अब आते हैं क्रूड ऑयल पे। जो कमोडिटी के ट्रेडर्स हैं जो क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हैं, उनको मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि यहाँ पर जो ट्रेंड है वो काफ़ी टाइम से नेगेटिव ही चल रहा है, और गैप डाउन ओपनिंग आज भी हुई थी इसकी। अगर मैं इसके चार्ट को थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं तो आप देखोगे कि कल भी एक बार थोड़ा सा ये ऊपर गया था और उसके बाद वापस नीचे आ गया, और तब से नीचे ही चल रहा है। इस तरीके से अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आपको दिखाऊं तो ये जो लेवल थे ये थे हमारे ट्रेंड लाइन के लेवल, और इसके बाद इसका जो लेवल वो कल मार्केट ने तोड़ दिया, और उसके बाद अभी भी ट्रेंड लाइन जो है वो डाउन साइड की मार्केट को ही प्रेडिक्ट कर रही है। यहाँ पर देखोगे आप इस तरीके से, अगर मैं इसको ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूँ, अगर पुरानी ट्रेंड लाइन को हटाऊं और इस वाली लाइन पे आपको दिखाऊं, तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट में जो अपसाइड मूवमेंट आएगा वो आएगा 6,300 के ऊपर। अगर 6,300 के ऊपर मार्केट जाती है तो फिर 6,700 जाने के चांसेस हैं, अदरवाइज मार्केट अभी डाउन ही है। तो अगर आप क्रूड ऑयल में बाइंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं 63,000 के ऊपर। अगर आप सेलिंग करना चाहते हैं तो सेलिंग करने के लिए भी आपको देखना होगा कि मार्केट जब 63,000 के आसपास आती है, यानी कि उससे नीचे दोबारा से डिप मारती है, तब आप सेल करें। फिलहाल अभी ना ही बाइंग की जोन में है ये, ना ही सेलिंग की जोन में, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है। तो थोड़ी बहुत रिकवरी के लिए वेट करें, और उसके बाद बाइंग करने के लिए 6,300 के लेवल के आसपास बाइंग के लिए बैठें। दोस्तों ये था मार्केट का हाल निफ्टी बैंक निफ्टी का। अगर मैं SGX निफ्टी की बात करूँ तो यहाँ पर जो SGX निफ्टी है उसमें भी आप देख सकते हैं कि ये 18,080-90 के लेवल के आसपास बार बार घूम रही है, और बार बार घूम के वहीं से ये मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रही है। तो खास ध्यान रखें दोस्तों इस बात का कि 18,080 के नीचे ही सेल करें निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, और 18,200 के ऊपर ही बाइंग करें, उसके बीच में ट्रेड ना बनाएं, नहीं तो आपकी ट्रेड फंस सकती है। तो दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।